जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं या हमें कोई प्रणाम करता है, तो अनायास ही हमारे मुंह से निकलता है, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, सदा सुखी रहो। ये जो प्रणाम के उत्तर में हमारे मुंह से निकलते हैं ना, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये दुनिया के सबसे कीमती शब्द है। आजकल हम इन बातों को महत्व देना बंद करते जा रहे हैं, पर यकीन मानिए, जो प्रणाम के जवाब के रूप में आशीर्वाद हमें मिलता है या हम किसी को देते हैं, वो 100% चमत्कारिक शब्द होते हैं, बेशकीमती शब्द होते हैं। एक बहुत प्यारी कथा कहने जा रही हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह ये घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। इस घोषणा का पता जैसे ही पांडवों को चलता है तो उनके शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। सभी को भीष्म पितामह की क्षमताओं के बारे में पता था, इसीलिए सभी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, तुम अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे पितामह भीष्म के शिविर में पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं तो शिविर के बाहर खड़े हो जाते हैं, पर वो द्रौपदी से कहते हैं कि अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम करो। जैसे ही द्रौपदी ने शिविर के भीतर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया, तो पितामह भीष्म के मुख से द्रौपदी के लिए ये आशीर्वाद निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही ये आशीर्वाद उनके मुख से निकला, उसी क्षण उन्हें स्मरण हो आया कि आज ही तो उन्होंने पांडवों के वध की घोषणा की थी, और स्वयं ही उन्होंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दिया। फिर पितामह भीष्म ने द्रौपदी से पूछा, पुत्री, क्या तुम इतनी रात को यहाँ अकेली आई हो या तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण लाए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, जी पितामह, और वो शिविर के बाहर ही खड़े हैं। शिविर से बाहर निकलकर दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और पितामह भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने का काम केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती, तो शायद इस युद्ध की नौबत ही न आती। जो हर घर में कलह कलेश का वातावरण रहता है, वो कहीं न कहीं इस बात के मूल से जुड़ा है कि हम संस्कार भूलते जा रहे हैं। हम जाने अनजाने अपने बड़ों की उपेक्षा करने लगे हैं। याद रखना कि हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, और ये भी याद रखना कि हर बात का जवाब गूगल से नहीं मिलता, उसके लिए बुजुर्गों के पास भी बैठना पड़ता है। शरीर की खुराक के साथ साथ हमारी आत्मा को भी खुराक चाहिए, जो संस्कारों से हमें मिलती है। हम भूलते जा रहे हैं आशीर्वाद के महत्व को। आशीर्वाद एक कवच की तरह होता है, जो हर बाधा से हमारी रक्षा करता है। कितनी सुंदर बात कही है किसी ने, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।